श्रावणी मेला 2023 के दौरान लोगों को अब कृष्णा बम के दर्शन नहीं होंगे। माता बम के नाम से लोगों के बीच फेमस रही कृष्णा बम मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। आपको बता दें कि वो लगातार पिछले 40 साल से डाक कावड़ लेकर 24 घंटे के अंदर देवघर पहुंचती रही। एक बार उन्हें जलार्पण करने में परेशानी भी हुई थी, वहीं अब उन्होंने विश्राम का फैसला ले लिया है और इस बार कांवरिया पथ पर नहीं दिखाई देगी। मुजफ्फरपुर के चकबासु की रहने वाली 72 वर्षीय कृष्णा रानी को कृष्णा बम या फिर माता बम के नाम से कांवरिया पथ पर जाना जाता है। वो इस बार से भोलेनाथ को कांवर नहीं चढ़ाएगी। कोरोना काल को छोड़कर 40 साल तक लगातार हर सोमवार को वो जल लेकर सुल्तानगंज से देवघर जाती रही, कृष्णा बम बाबा को डाक कांवड़ चढ़ाती रही। पिछले साल उन्होंने कांवड़ यात्रा का 40वां साल पूरा किया और तभी उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अब वो कांवड़ लेकर बाबा के दरबार नहीं जाएगी, अब वो विश्राम का फैसला ले चुकी है। कृष्णा बम से मशहूर कृष्णा रानी ने बताया कि डाक बम के रूप में मैं कांवर लेकर 1975 में पहली बार पहली जा से गरीबनाथ पहुंची। 12 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय की। 1975 से 1982 तक लगातार 7 साल पहली जा से जल लाकर बाबा गरीबनाथ को चढ़ाती रही। इसके बाद साल 1982 से मैंने सुल्तानगंज से जल लेकर डाक बम के रूप में देवघर जाना शुरू किया। डाक कावर की 100 से अधिक किलोमीटर की यात्रा 18 घंटे में पूरी की। कृष्णा बम आगे बताती है कि रास्ते में मुझे देखने के लिए भीड़ इतनी अधिक होती थी कि मुझे झारखंड सरकार की ओर से स्कॉट की सुविधा दी गई। आपको बता दें कि साल 2019 में कृष्णा बम को देवघर बाबा मंदिर में पूजा करने में असुविधा हुई थी, जिस पर उन्होंने तब नाराजगी जताई थी। कृष्णा बम ने बताया कि साल 1989 में गंगोत्री से रामेश्वरम की 4500 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी उन्होंने तय की है। साल 2014 में कैलाश मानसरोवर वो गई। खास बात यह है कि कृष्णा बम मुजफ्फरपुर से साइकिल से 11 बार वैष्णो देवी की यात्रा कर चुकी है। मुजफ्फरपुर से कामाख्या देवी भी साइकिल चलाकर वो जा चुकी है। सुल्तानगंज से कांवरिया पथ पर उन्हें देखने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की होड़ मची रहती थी। कृष्णा बम के साथ साथ सिक्योरिटी को भी दौड़ लगाना पड़ता था। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।